नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ASP Info में। दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जम्मू तवी से टाटानगर जंक्शन के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है मुरी एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन जम्मू तवी से टाटानगर जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 18102 और जब यह ट्रेन टाटानगर जंक्शन से जम्मू तवी की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 18101। दोस्तों, इस ट्रेन को जम्मू तवी से टाटानगर जंक्शन की तरफ ले जाने का काम ज़्यादातर दो तरह के लोकोमोटिव इंजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन है गाजियाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7, दूसरा लोकोमोटिव इंजन है टाटानगर बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के सभी कोच ICF उत्कृष्ट रैक के हैं, दो जनरल कोच हैं, 7 स्लीपर कोच हैं, 1 पेंट्री कार है, 7 थर्ड एसी के कोच हैं, 2 सेकेंड एसी के कोच हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 21 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन जम्मू तवी से टाटानगर जंक्शन के बीच का डिस्टेंस जो कि 2069 किलोमीटर का है 43 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। इस बीच दोस्तों, यह ट्रेन 55 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और 296 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। इस बीच दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होती है और मैक्सिमम दोस्तों इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन जम्मू तवी से टाटानगर जंक्शन की तरफ हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को जाती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों, यह ट्रेन जम्मू तवी से चलती है, फिर विजयपुर जम्मू पहुंचती है, फिर हीरानगर पहुंचती है, फिर पठानकोट जंक्शन पहुंचती है, फिर दीनानगर पहुंचती है, फिर गुरदासपुर पहुंचती है, फिर धारीवाल पहुंचती है, फिर बटाला जंक्शन पहुंचती है, फिर अमृतसर जंक्शन पहुंचती है, फिर जंडियाला पहुंचती है, फिर ब्यास जंक्शन पहुंचती है, फिर जलंधर सिटी जंक्शन पहुंचती है, फिर जलंधर कैंट जंक्शन पहुंचती है, फिर फगवाड़ा जंक्शन पहुंचती है, फिर फिलौर जंक्शन पहुंचती है, फिर लुधियाना जंक्शन पहुंचती है, फिर चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचती है, फिर अम्बाला कैंट जंक्शन पहुंचती है, फिर शाहबाद मारकंडा पहुंचती है, फिर कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंचती है, फिर करनाल पहुंचती है, फिर पानीपत जंक्शन पहुंचती है, फिर सोनीपत जंक्शन पहुंचती है, फिर सब्जी मंडी पहुंचती है, फिर दिल्ली जंक्शन पहुंचती है, फिर गाजियाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर अलीगढ़ जंक्शन पहुंचती है, फिर टुंडला जंक्शन पहुंचती है, फिर सिकोहाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर इटावा जंक्शन पहुंचती है, फिर झिंझक पहुंचती है, फिर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, फिर फतेहपुर पहुंचती है, फिर प्रयागराज जंक्शन पहुंचती है, फिर मेजा रोड पहुंचती है, फिर विंध्याचल पहुंचती है, फिर मिर्ज़ापुर पहुंचती है, फिर चुनार जंक्शन पहुंचती है, फिर सोनभद्रा पहुंचती है, फिर चौपन पहुंचती है, फिर रेणुकूट पहुंचती है, फिर दूधीनगर पहुंचती है, फिर विंडमगंज पहुंचती है, फिर नगर उनतारी पहुंचती है, फिर गढ़वा पहुंचती है, फिर गढ़वा रोड जंक्शन पहुंचती है, फिर डलटोलगंज पहुंचती है, फिर बड़वाजी जंक्शन पहुंचती है, फिर लतेहर पहुंचती है, फिर तोरी जंक्शन पहुंचती है, फिर खलारी पहुंचती है, फिर पतरातू पहुंचती है, फिर बरका काना जंक्शन पहुंचती है, फिर रामगढ़ कैंट पहुंचती है, फिर मुरी जंक्शन पहुंचती है, फिर चांदील जंक्शन के रास्ते टाटानगर जंक्शन पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आइए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने इस ट्रेन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घट या बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। तो
तो दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।